Hey guys, I'm Mona and welcome back to my channel. So, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंपैरिजन वीडियो. ये चारकोल का जो पीलअप मास्क है एंड चारकोल का जो फेस मास्क अवेलेबल है अभी मार्केट में, तो उन दोनों के बीच में कंपेयर करके बताऊंगी कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है. एंड इन दोनों के लिए मैंने काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस का लिया है, जो कि चारकोल पीलअप मास्क में सबसे कम प्राइस में मिल रहा है अभी एंड चारकोल फेस मास्क में जो सबसे कम प्राइस में है. सो मैं आपको ये दो प्रोडक्ट के बीच में बताऊंगी, ये है चारकोल का पीलअप मास्क एंड ये है चारकोल का फेस मास्क. ये चारकोल का पीलअप मास्क आई थिंक ये आपको 120 के प्राइस में मिलेगा, आई थिंक सब 120-150 ये के रेंज में आपको मिल जाएगा. एंड ये सबसे कम प्राइस में है, ये आपको अमेजन पे मिल जाएगा, आपकी लोकल मार्केट में मिल जाएगा. एंड ये वाला जो प्रोडक्ट है ये गुड वाइब्स का है, ये चारकोल का एक्टिवेटेड चारकोल का ये फेस मास्क है ये. एंड ये भी आई थिंक सबसे कम प्राइस है इसका, मतलब फेस मास्क में ये सबसे कम प्राइस का है. तो इन दोनों में कौन सा बेटर है मैं आज आपको बताऊंगी, पीलअप मास्क में एंड चारकोल फेस मास्क में. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा. तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, उसके पास जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दीजिए. वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए. कंपैरिजन होने वाला है ये दो प्रोडक्ट के बीच में, ये चारकोल का पीलअप मास्क है एंड ये चारकोल का फेस मास्क है. सो ये चारकोल पीलअप मास्क का मैंने पूरा रिव्यू एंड पूरा इसके इस प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे, उसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे कहीं पे प्लेस कर दूंगी, तो आप वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं. तो अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ये वाला प्रोडक्ट, ये चारकोल ये गुड वाइब्स का है, ये एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क है. ये आप ये पीलअप मास्क आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ purple.com पे ही मिलेगा. तो मैंने इसे रिसेंटली लिया था, 2 से 3 बार ही मैंने इसे यूज़ किया अभी. एंड ये है, इसमें पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है एंड नो मिनरल ऑयल है इसमें. सो ये काफ़ी अच्छा है उस हिसाब से, बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें पैराबिन सल्फेट कुछ नहीं है. ये इसमें लिखा, इसमें क्लेम किया गया है कि ये डीप क्लिनजिंग फेस मास्क है, मतलब बहुत ही अच्छे से क्लींस करता है अपने फेस को. एंड इसके बैक साइड पर आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं. इसका प्राइस है 225. इसमें आपको इसका 2 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं. सो इसका हाउ टू यूज़ लिखा हुआ है कि आपको नॉर्मली अपने फेस को वॉश करना है, उसके बाद आपको एक स्मूथ मतलब थोड़ा सा लेके पेस्ट अपने पूरे फेस में अप्लाई करना है. आप चाहे तो फेस एंड नेक दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं. एंड आपको थोड़ा टाइम के लिए रखना है इसे ड्राई होने के लिए, 5 से 10 मिनट तक आप रख सकते हैं. उसके बाद आप अपना नॉर्मल जैसे हम फेस मास्क यूज़ करते हैं उस हिसाब से आपको फेस मास्क को वॉश कर देना है. सो इसको हम पील ऑफ करेंगे एंड इसको हम वॉश करेंगे. सो देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छे से काम करता है. पहले आपको अपने फेस ना मेकअप को क्लीन करना है, तो मैं अपने फेस से मेकअप क्लीन करूँगी. अगर आप चाहें तो थोड़ा सा स्टीम ले सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा. मैं फेस के इस साइड पे गुड वाइब्स का ये वाला फेस मास्क यूज़ करूँगी चारकोल का. सो ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में है, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी आता है, मतलब कोई दूसरे ये होते हैं ना उस टाइप का है ये वाला. थोड़ा सा ये दिख रहा है कि थोड़ा सा कम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है तो आपको काफ़ी टाइम तक चल जाएगा. ये बहुत ही बटरी स्मूथ है इसका ये मास्क. आपको थोड़ा सा लेना है एंड अपने पूरे फेस पे आपको अप्लाई करना है एंड आपको नेक पे भी अप्लाई करना है. तो मैं बस एक ही साइड पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि हम कंपेयर कर पाएँ कि वो जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है दो प्रोडक्ट ना, फेस मास्क पीलअप मास्क एंड ये फेस मास्क, में कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है. मास्क के लिए मैं ये वाला यूज़ करूँगी फेस के इस साइड पे. मैं अपने नेक पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसे थोड़ा सा. मैं बस अपने फेस पे अप्लाई करके बता रही हूँ यहाँ पे. अगर आपने ये फेस मास्क को पीलअप मास्क को कोई भी ब्रश के साथ अप्लाई मत कीजिए, अपने फिंगर के साथ ही अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छे से अप्लाई होता है. मैंने एक बार ट्राई किया था ब्रश के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा वेस्ट ही हो जाता है प्रोडक्ट, तो अच्छे से अप्लाई भी नहीं होता है. लेकिन आप ये फेस मास्क को ब्रश के साथ अप्लाई कर सकते हैं. दोनों मैंने अप्लाई कर दिया अपने फेस पे. इससे आपको लिखा हुआ है कि 10 मिनट तक आप रखना है, लेकिन मतलब पूरा ड्राई होने तक आपको रखना है. सो हम इसके लिए वेट करेंगे ये कितने टाइम में ड्राई होता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है पीलअप मास्क,
ड्राई होने के लिए। सो देखते हैं कितने टाइम में ये ड्राई होता है। तो दोनों को मैं एक ही साथ रिमूव करूँगी, मतलब एक के बाद जब दोनों ड्राई हो जाएंगे कम्प्लीटली। सो देखते हैं हम क्या होता है, इसका रिजल्ट आता है। तो इसे लगा के 10 से 15 मिनट हो गया है, वैसे 10 मिनट के अंदर ये ड्राई हो गया था कम्प्लीटली, लेकिन पील ऑफ मास्क इसे ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो 15 मिनट मैंने रखा हुआ है इन दोनों को, लिखा हुआ है कि इससे आपसे 10 मिनट तक रख सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं ड्राई होने के लिए। तो ये वाला पोर्शन अभी कुछ मुझे फील नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल फेस वॉश की तरह है, मतलब फेस मास्क की तरह ही है, इसे अप्लाई करना है। लेकिन ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है और बोला भी नहीं जा रहा है उतने अच्छे से। तो चलिए पहले कौन सा, इस पहले इसे रिमूव करते हैं, फिर हम इसे रिमूव करेंगे। तो इसे आपको थोड़ा सा थिक लेयर अप्लाई करना है, ज़्यादा थिक नहीं, ज़्यादा थिन नहीं। तो थोड़ा सा पेन होता है, अगर किसी का सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज़ एक बार आप पैच टेस्ट करें, फिर ही इसे, मतलब उसके बाद ही आप इसे अप्लाई करें, क्योंकि इसका पेन अगर किसी को थोड़ा सा भी तो चलिए इसको रिमूव करते हैं, पील ऑफ करते हैं। ये वाला मैंने रिमूव कर दिया है, वैसे इसे उतना ज़्यादा ब्लैकहेड्स तो रिमूव नहीं होता है, क्योंकि मेरे नोज़ में अभी भी थोड़े थोड़े यहाँ पे ब्लैकहेड्स है, लेकिन वाइट हेड्स रिमूव हो गए हैं। एंड अगर किसी के बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर की प्रॉब्लम होती है ना लड़कियों को, तो छोटे छोटे जो हेयर्स है, तो बेबी हेयर, वो सारे यहाँ से क्लीन हो गए पूरे फेस से। तो ये काम हो जाता है इसे, इस मास्क से। एंड थोड़ा सा पेन होता है इसे रिमूव करते टाइम, एंड उसके बाद भी थोड़ा सा, मतलब ऐसा थोड़ा सा जलन जैसा ऐसा कुछ होता है, मतलब कुछ तो फील हो रहा है, पता नहीं क्या। आई थिंक लेट्स सी, 5 मिनट के बाद अगर आपको ये थोड़ा सा ठीक हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले एक बार इसे यूज़ किया था, तो उतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता है, डीपली नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा फेशियल हेयर को रिमूव कर देता है, एंड वाइट हेड्स को ही सिर्फ ये क्लीन करता है। तो आप देखते हैं ये चारकोल मास्क कितने अच्छे से क्लीन करता है। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, मतलब फेस मास्क को रिमूव कर दिया है। एंड यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं किया गया है कि ये आपकी ब्लैक हेड्स को रिमूव करेगा या फिर वाइट हेड्स को रिमूव करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपके स्किन को डीपली क्लींस करेगा, एंड उसके साथ आपकी स्किन को थोड़ा सा ब्राइट एंड फ्लॉलेस दिखाएगा, ये क्लेम किया गया है एक गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क में। एंड यस, ये किया है, डीपली क्लींस किया है मेरे स्किन को यहाँ पे, एंड दिख भी रहा है, ये थोड़ा सा ब्राइट भी दिख रहा है स्किन, एंड यहाँ पे भी स्किन थोड़ा सा फ्लॉलेस दिख रहा है, एंड क्लींस भी हुआ है ऐसा भी लग रहा है। लेकिन ये इसमें जो क्लेम किया गया है कि ये स्पेशली ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को रिमूव करता है, वैसा नहीं है, ये ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में कोई काम नहीं करता है। सो इन दोनों में अगर आप मुझे पूछेंगे कौन सा बेटर रहेगा, सो ये 225 में ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलता है, एंड काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि किसी किसी को पील ऑफ मास्क को इसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। सो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, एंड इससे भी आपका फेस स्किन बहुत ही अच्छे से क्लींस हो जाता है, एंड काफ़ी ब्राइट एंड फ्लॉलेस भी दिखता है। तो आप इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या फिर कौन सा यूज़ करेंगे, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अगर इन दोनों का कंपैरिजन मैं करूँ, तो ये पील ऑफ मास्क में ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 120 से 150 तक आपको मिल जाएगा। एंड ये वाला चारकोल का ही है, एंड ये फेस मास्क है, ये दूसरे मास्क की तरह ही आपको अप्लाई करना है, काफ़ी ईजी है, रिमूव करना भी काफ़ी ईजी है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ये वाला काफ़ी टाइम लेता है, आई थिंक 15 मिनट या फिर उससे ज़्यादा भी ले सकता है कभी कभी, एंड ये काफ़ी इजीली रिमूव भी हो जाएगा, कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं। एंड इन दोनों का काम अगर आप कंपैरिजन करके पूछे, तो ये वाला थोड़ा सा बेटर काम करता है, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लींस करता है, एंड इससे कोई भी फेशियल हेयर रिमूव नहीं होते, जो कि इससे हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी ऐसे ट्राई किया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि ये पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है कि नहीं, लेकिन ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, तो ये एक और प्लस पॉइंट हो गया इसको यूज़ करने का। सो अगर आप इन दोनों में से मुझे पूछेंगे तो मैं ये रिकमेंड करूँगी। मैं इसका नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे परचेस कर सकते हैं purple.com से। एंड इसे भी आप चाहें तो अपने लोकल मार्केट या फिर अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर मेरे लिए ये रहा है, मैं इसे प्रेफर करूँगी। आप इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करेंगे मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको आज का कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल पर अगर न्यू है देन सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, टेक केयर।